सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM टेक पॉइंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे वीवो Z1 प्रो मोबाइल और सैमसंग गैलेक्सी M30s मोबाइल और रियलमी 5 प्रो मोबाइल के बीच में। गाइस, ये तीनों स्मार्टफोन के मार्केट प्राइस जो है आपको लगभग सेम ही दिखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में यही तीनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे 114,000 में आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर ये तीनों स्मार्टफोन के बीच आपको एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो कि आप कन्फ्यूजन में हो कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, तो गाइस इस वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो फ्रेंड्स, तो आपको जो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर, जो कि वीवो Z1 प्रो मोबाइल जो है आपको 12,990 रुपये में दे रहा है 4GB 64GB एंड 14,990 रुपये पर आपको दे रहा है 6GB 64GB, और गैलेक्सी M30s मोबाइल जो है आपको 13999 में दे रहा है 4GB 64GB एंड 16999 में आपको दे रहा है 6GB 128GB। बात करते हैं रियलमी 5 प्रो मोबाइल के, तो मोबाइल जो है आपको 12999 में दे रहा है 4GB 64GB एंड 14999 में आपको दे रहा है 4GB 64GB एंड 16999 में आपको दे रहा है 8GB 128GB। तो गाइस, पहले बात करते थे स्मार्टफोन की बॉडी टाइप की, तो यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल और सैमसंग गैलेक्सी M30s मोबाइल और रियलमी 5 प्रो मोबाइल, ये तीनों स्मार्टफोन में जो है आपको पॉलीकार्बन बॉडी के साथ मिलेगा, जो कि कोई भी मोबाइल में आपको ग्लास बैक नहीं दिया है। तो यहाँ पर डिजाइन जो है आपको रियलमी 5 प्रो में थोड़ा बेहतर दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस मोबाइल में आपको रियर साइड में जो है आपको डायमंड का डिजाइन दिया है। बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की वेट एंड थिकनेस की, तो यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल 8.9mm थिकनेस में मिलेगा, और यहाँ पर गैलेक्सी M30s मोबाइल भी आपको 8.9mm थिकनेस में मिलेगा, और रियलमी 5 प्रो मोबाइल स्मार्टफोन भी आपको 8.9mm थिकनेस में मिलेगा, जो कि तीनों मोबाइल का थिकनेस आपको सेम ही दिखने को मिल जाएगा। बात करते हैं वेट की, तो यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल आपको 201 ग्राम में मिलेगा, और यहाँ पर गैलेक्सी M30s मोबाइल जो है आपको 188 ग्राम में मिलेगा, और रियलमी 5 प्रो मोबाइल जो है आपको 184 ग्राम में मिलेगा। बात करते तीन स्मार्टफोन के डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल में आपको कोई भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन नहीं दिया है, और यहाँ पर गैलेक्सी M30s मोबाइल में कॉर्निंग गोरिल्लास 3 का सपोर्ट दिया है, और रियलमी 5 प्रो मोबाइल में आपको कॉर्निंग गोरिल्लास 3 प्लस का सपोर्ट दिखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीन स्मार्टफोन के डिस्प्ले टाइप एंड साइज की, तो जो कि वीवो Z1 प्रो मोबाइल में 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पंच होल डिस्प्ले के साथ मिलेगा, और गैलेक्सी M30s मोबाइल जो है आपको 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा, और रियलमी 5 प्रो मोबाइल जो है आपको 6.3 इंच फुल HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। तो डिस्प्ले साइज जो है यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा दिखने को मिलेगा वीवो Z1 प्रो मोबाइल में। और डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको गैलेक्सी M30s मोबाइल में आपको डिस्प्ले क्वालिटी बेहतर दिखने को मिलेगा ये दोनों मोबाइल के मुकाबले। और डिस्प्ले के डिजाइन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल में आपको पंच होल डिस्प्ले जो दिया है वो इतनी बेहतर लुक भी आपको देगा। तो यहाँ पर तीनों मोबाइल का डिस्प्ले जो है नोच जो है आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको डिस्प्ले के डिजाइन कौन सा मोबाइल का बेस्ट लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट दिया है, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस है, और ये चिपसेट ऑक्टाकोर 2.3 GHz में क्लॉक्ड है। बात करते हैं गैलेक्सी M30s मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको एक्सिनोस 9611 का चिपसेट दिया है, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस है, और ये चिपसेट ऑक्टाकोर 2.3 GHz में क्लॉक्ड है। बात करते हैं रियलमी 5 प्रो मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट दिया है, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस है, और ये चिपसेट ऑक्टाकोर 2.3 GHz में क्लॉक्ड है। तो गाइस, प्रोसेसर जो है आपको 14,000 के मार्केट प्राइस में तीनों ही मॉडल में बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर आपको दिखने को मिल जाएगा। गाइस, बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU के, तो यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल में एंड्रॉइड पाई 9 के साथ एड्रीनो 616 का GPU दिया है, और गैलेक्सी M30s मोबाइल में एंड्रॉइड पाई 9 के साथ माली G72MP3 का GPU दिया है, और यहाँ पर रियलमी 5 प्रो मोबाइल में एंड्रॉइड पाई 9 के साथ एड्रीनो 616 का GPU दिया है, जो कि तीनों स्मार्टफोन में आपको गेमिंग ग्राफिक एंड गेमिंग परफॉर्मेंस जो है आपको बहुत ही जबरदस्त दिखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीनों मोबाइल की रियर कैमरा की, तो यहाँ पर वीवो Z1 प्रो मोबाइल में रियर में जो है आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया है, जो कि 16 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP, एंड गैलेक्सी M30s मोबाइल में भी आपको रियर में ट्रिपल रियर कैमरा दिया है 48 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP, जो कि रियलमी 5 प्रो मोबाइल में आपको रियर में 4th कैमरा दिया है, जो कि 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, एंड तीनों ही मोबाइल में रियर में जो है आपको एक छोटा सा LED फ्लैश भी दिया है।
तो गाइस यहाँ पर कैमरा के बारे में बात करो तो तीनों ही मॉडल का कैमरा जो है आपको बहुत ही बेहतर दिया है। गाइस फ्रंट कैमरा के बारे में बात करो तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro मोबाइल में जो है आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और यहाँ पर Galaxy M30s मोबाइल में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है और Realme 5 Pro मोबाइल में भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मेरे ख्याल से फ्रंट कैमरा जो है आपको Vivo Z1 Pro मोबाइल में बेस्ट देखने को मिलेगा Galaxy M30s और Realme 5 Pro मोबाइल के मुकाबले। तो अब बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro मोबाइल में 5000 mAh का बैटरी दिया है 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ और यहाँ पर Galaxy M30s मोबाइल में जो है आपको 6000 mAh का बैटरी दिया है 15 वाट फास्ट चार्जर के साथ और यहाँ पर Realme 5 Pro मोबाइल में जो है आपको 4500 mAh का बैटरी दिया है 20 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो गाइस यहाँ पर बैटरी ज़्यादा पावरफुल दिखने को मिलेगा Samsung Galaxy M30s मोबाइल में, क्योंकि इस मोबाइल में आपको 6000 mAh का बैटरी दिया है। तो गाइस आप बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की स्टोरेज और रैम की, तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro मोबाइल जो है आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलेगा और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा जो एक्सपांड कर सकते हैं इस मोबाइल में आप 256GB तक और Galaxy M30s मोबाइल में जो है आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलेगा और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा जो एक्सपांड कर सकते हैं इस मोबाइल में आप 512GB तक। बात करते हैं Realme 5 Pro मोबाइल के, तो ये मोबाइल जो है आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलेगा और 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलेगा जो कि 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगा जो एक्सपांड कर सकते हैं इस मोबाइल में आप 256GB तक। गाइस अब बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की सिम स्लॉट की, तो यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया है जो कि ये तीनों स्मार्टफोन में जो है आपको 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक ही साथ लगा सकते हो। गाइस अब बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro मोबाइल में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि यहाँ पर Galaxy M30s मोबाइल में जो है आपको इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है क्योंकि इस मोबाइल में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं Realme 5 Pro मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। तो गाइस यहाँ पर तीन स्मार्टफोन में जो आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर 114,000 में तीन स्मार्टफोन का फीचर जो है आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाएगा। गाइस बात करते हैं तीन स्मार्टफोन की कलर ब्रांड की, तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro मोबाइल जो है आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर में मिलेगा और Galaxy M30s मोबाइल जो है आपको ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट तीन कलर में मिलेगा और यहाँ पर Realme 5 Pro मोबाइल जो है आपको ग्रीन एंड ब्लू कलर दो कलर में मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको कौन सा मोबाइल का कलर बेस्ट लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अब बात करते हैं तीन स्मार्टफोन की मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro मोबाइल जो है आपको अंडर 13,000 में मिलेगा और यहाँ पर Galaxy M30s मोबाइल जो है आपको अंडर 14,000 में मिलेगा और यहाँ पर Realme 5 Pro मोबाइल ये मोबाइल जो है आपको अंडर 13,000 में मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको कौन सा मोबाइल का फीचर्स बेस्ट लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय। आज के वीडियो में इतना ही।